Hello, you all, my lovely buddies. A very warm welcome to you all on this amazing platform of DoubtNut. My Pooja Sharma, your English educator, welcomes you here.

क्या है रेन की वॉइस अब आप सोच रहे हो रेन की वॉइस तो होती नहीं है रेन का तो साउंड होता है बुक हॉर्नबिल so और हॉर्नबिल की जो बुक है उसका ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम द वॉइस ऑफ द रेन वेन वी टॉक अबाउट द ऑथर ऑथर का नाम है वॉल्टर विटमिन वॉल्टर विटमिन की बात करते हैं तो ये एक अमेरिकन पोएट थे एसे थे जर्नलिस्ट थे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री अमेरिकन हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे उनका ही वॉज रिनोन्ड ही वॉज रिनोन्ड ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देयर एंड ही इज ऑफन कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्री वर्स नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ फ्री वर्ड फ्री वर्स का मतलब होता है बच्चा कि कोई पर्टिकुलर आपने राइविंग स्कीम नहीं लिया है आपने कोई भी पर्टिकुलर राइविंग स्कीम को फॉलो नहीं किया है फ्रीली जो मन में आया वो लिखते गए हैं और उससे भी बहुत ही ब्यूटीफुली आपने एक पोम बना दी है दैट इज कॉल्ड एज फ्री वर्स सो ऑलवेज रिमेंबर एज आई ऑलवेज सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न टू राइट अबाउट द ऑथर ऑफ द पोम तो पोएट के बारे में जरूर से लिखिएगा आपका चाहे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है नहीं पूछा है यू नो अबाउट हिम यू टेल देम दैट

हम यहाँ पे इसका साउंड नहीं सुन पा रहे हम इसका वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं, हैं इसलिए नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि पोएट ने अलग तरीके से बताया है पोएट ने क्या बताया है पोएट ने इसके अंदर पूरी वाटर साइकिल को डिस्क्राइब किया जो आपने अपनी जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है या हो सकता है लास्ट प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हो वो साइकिल में कैसे रेन का मेन रोल रहता है कैसे वो सारी चीजों को <clears throat> स्टेप बाय स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे लगेंगे जो न्यू हैं या समझ में नहीं आ रहा है so सो उसके लिए आई एम देयर फॉर यू डोंट वरी एट ऑल मैं पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी आपको मैं डेफिनेटली आप लोगों को जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि प्रीवियस इंग्लिश में यूज़ किए जाते थे उन्हें भी बताऊंगी नॉट एट ऑल टू वरी अबाउट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे बट एक चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग अ

है मैंने यहाँ पे आंसर जो है अगर पूछा जाए वट वॉज दी आंसर गिवन बाय तो ये आंसर था जो ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे एंड द आंसर सेज दैट आई एम द पोम ऑफ अर्थ तो ये किसने कहा ये रेन ने कहा रेन टोल दैट आई एम दोम ऑफ द अर्थ इस अर्थ की पोम हूँ मैं नाउ वेन वी टॉक अबाउट पोम पोम आर द थिंग्स विच आर वेल डिस्क्राइब्ड विच हैज ब्यूटिफुल वर्ड्स विच हैज डिफरेंट एम्बेजमेंट्स तो ये सारी जो चीजें होती हैं पोम बहुत ब्यूटीफुल होती है ये आपको पता है उन तो पोम को किसने कहा कि मैं पोम हूं रेन कहती मैं पोम हूं किसकी इस अर्थ की पोम हूं सेट द वॉइस ऑफ द रेन अब वॉइस ऑफ द रेन में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ पर्सोनिफिकेशन बिकॉज वॉइस एज यू नो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है व्हेन वी गिव

Formed altogether, changed, and yet the same. I descend to live the throats, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent unborn. Now again, pe carry forward kiya gaya hai, these lines by the rain. Rain says that these are the upward to heaven. Th that means he kaha jate heaven ki jate Whence, whence means when?

रह जाएंगे हिडन रह जाएंगे वो छुपे के छुपे रह जाएंगे अनबॉन रह जाएंगे इफ ओनली आई कम तो ही वो फ्लारिश होते हैं ओके दिस इज ऑल अबाउट

फॉर सॉन्ग इश्रूंग फ्रॉम इट्स बॉर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट विंग रेक्ट और अनर रेक्ट और अन्य क्या होता है विच इज लाइक टच और अन्यूली विदर्न ड्यूली विदर्न सो वेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट वेन वी टॉक अबाउट दिस पार्ट इट मीन्स रेक्ट और अनर को हम कह सकते हैं केयर्ड और अनकेयर्ड केयर्ड और अनकेयर्ड इसे हम यहाँ पे केयर और अनकेयर यानी टचड और अन वाला ही पार्ट है सो फॉर एवर बाई डे एंड नाइट हमेशा मैं डे और नाइट में क्या करती हूँ आई स्टार्ट आई एंड और आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन मैं अपनी लाइफ को मैं अपने ही ओरिजिन को एक नया लाइफ जन्म देती हूँ एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड अब यहाँ पे ये यह चीजें जो है ना ये आपको किस में दी गई है यू कैन सी इन ब्रैकेट्स वाई इन दीज आर रिटर्न इन ब्रैकेट्स इट कैन बी रिटर्न एज द अब लाइन इनको ऐसे क्यों नहीं लिखा गया बिकॉज ये इस चीज़ को ना थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग uh, बनाता है

क्या बताया था इसीड्स वाले बताया था वॉटर साइकिल के बारे में दो साइकिल्स की यहाँ पे बात की गई है मूविंग अड सो दिस इज दार्टर जहां पे वी कैन सी दैट हाउ सीड्स टर्स एंड फ्लरिशेस और कैसे वो ग्रो करते हैं इफ ओनली द रेन टचे इट हैज द इम्पोर्टेंस वी नो दैट मूविंग अहेड आगे बात करते हैं हम राइमिंग स्कीम के बारे में छोटी सी पोम थी प्यारी सी पोम थी आई होप इसमें कुछ ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं थी आ, आपने बहुत प्यारे से समझ लिया है दैट वाय

फॉर का मतलब क्या होता है आई टोल्ड यू दैट मेटरफॉर इन विच यू कंपेयर

ओनली ए इज द करेक्ट वन यू कैन एलिमिनेट इट एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड आपने एलिमिनेट किया ये नहीं है ये नहीं है यू विल गेट द रेस्ट द बेस्ट द रेस्ट एंड द बेस्ट वन फॉर यू नेक्स्ट इज वाट डेग्ड और अनरेग्ड मींस अभी मैंने बता दिया सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ह्योर यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एनरिच एनरिचमेंट और नो एनरिचमेंट केयर्ड और नॉट केयर्ड फॉर टू प्यूरिफाई और नॉट टू वॉश और नॉट टू वॉश अभी बताया है जरूर से बताएंगे कमेंट सेक्शन में वाइपोबली है मैंने तुम्हारे लिए और हर एक जगह ही मैं तुमने पोएटिक डिवाइसेस बता चुकी हूँ वहां पे क्या मीनिंग है वो बता चुकी हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है मैं अश्योरेंस दे रही हूँ बेटा इससे बाहर कहीं भी पोएट का या पोम uh, का क्वेश्चन नहीं आता है पोएट या बता दिया सबसे पहले हर एक लाइन पे मैंने तुम्हें उसे समझा दिया उसका पोएटिक डिवाइसेस बता दिया मीनिंग बता दिया सेंट्रल थीम बता दिया इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा अब तुम्हें तुम्हारा काम करना है यू हैव टू डू योर वर्क दैट मीन यू हैव टू गो थ्रू बाय आप इसे दो तीन बार देख लीजिए ना अगर आपको एक बार में नहीं आया समझ में कोई बात नहीं दो तीन बार देख लीजिए एंड देन मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए हालांकि इससे शॉर्ट नोट्स तो आई डोंट थिंक सो की कहीं जरूरत पड़ेगी इतना तो लिखना ही पड़ेगा तो ये पीडीएफ है आप एज इट इज यू कैन राइट इट बाय योर ओन लिखोगे खुद

Is as a song issues from the singer, it is issued by the singer, returns to him with लव फ्रॉम द लिसनर्स कैसे उनके तक पहुंचता है जैसे आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं अरिजीत सिंह गाना गा रहे हैं वो रुक जाते हैं और हम उस गाना को गाते तो उनको कितना अच्छा फील होता है कि देखो ये मुझे वापस से प्यार मिल रहा है उनको हर एक वर्ड हर एक लाइनिंग हर एक चीज याद है तो दैट इज द वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज अ पैरल ड्रॉन ड्रॉन बिटवीन रेन एंड द म्यूजिक इन द पोम बिल्कुल से म्यूजिक के बारे में और रेन के बारे में बताया गया रेन एंड म्यूजिक आर सिमिलर बिकॉज दे रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन क्योंकि म्यूजिक भी जिस तरीके से सिंगर के पास में वापस जाता है थ्रू लिसनर उसी तरीके से रेन भी जहां से उसका ओरिजिन होता है एंड एंड सो इट द ओरिजिन ऑफ द प्लेस एंड स्प्रेड है शुरुआत से फिर अर्थ पे आती है ब्रिंग्स न्यू लाइफ जैसे सीड्स को उन्होंने ओरिजिनेट करा तो न्यू लाइफ देती है एंड हैप्पीनेस स्प्रेड करती है द प्लेजर क्रिएटेड बाय म्यूजिक एंड रिच द सिंगर्स विद लव एंड ऑफ द लिसनर ये तो अभी हमने किया वही वाला पार्ट है सो हेर वी आर डन विद दिस पोम दिस पोम इज द वॉइस ऑफ द रेन Always remember, don't get confused. आपने ऐसी ही एक class ninth में भी होगी. वर्ड्स द ओके जस्ट आई वॉन्ट टू अगेन कि आप जरूर से यहाँ दिया हुआ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चाहे वो कमेंट बॉक्स में आपको दिया हुआ है एक Google form. उस गूगल फॉर्म पर क्लिक कीजिए उसे फिल कीजिए आप गूगल फॉर्म कोई परेशानी नहीं है इट्स जस्ट टू ब्रिंग अस टुगेदर आपको और हमें एक लाने के लिए किया गया है जो क्वेश्चंस पूछे सिंपल जैसे आपका नाम क्या है कौन सी क्लास में आपका कौन सा स्ट्रीम है आपका ई मेल आई डी उसमें फिल करना है देन क्या आपको कोई क्वेश्चन है अपने टीचर से लाइक दैट ओके आप कौन से बोर्ड से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आप उनपे चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना आंसर लिख पाएंगे एंड डेफिनेटली सबमिट जरूर से कीजिएगा बिफोर कि आप ऐसे ही चले जाए सबमिट नहीं करोगे हमारे तक आएगा नहीं और सबमिशन के बाद में में जरूर से कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा कि मैम हमने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है ओके आई एल चेक इट आउट डेफिनेटली आई आईल चेक इट आउट कितनों ने यहाँ पे गूगल फॉर्म फिल किया है कि नहीं किया एंड लास्टली डू लाइक इट एंड शेयर दिस से